हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 3 के बसिंदे नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाढ़ के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर पिछले 10 सालों से गंदे पानी की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। बता दें कि प्रताप नगर के बीचों बीच रास्ते पर बारिश के पानी की समस्या झेल रहे बसिंदे नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन समस्या जैसे की तैसे ही बनी हुई है। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 3 के बसिंदे नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाढ़ के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर पिछले 10 सालों से गंदे पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि प्रताप नगर के बीचों बीच रास्ते पर बारिश के पानी की समस्या झेल रहे बसिंदे नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। रास्ते की समस्या के चलते कई लोग अपनी बाजू तुड़वा चुके हैं तो कई जख्मी हो गए हैं। शायद प्रशासन अब किसी बड़ी घटना के इंतजार में है, जिस कारण लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हालत ऐसी बनी हुई है कि बाढ़ के बीचों बीच जाने वाले रास्ते पर एक जगह पर 50 मीटर लंबी जगह तक पानी जमा होता है और निकासी नहीं होने के कारण पानी महीनों तक जमा रहता है। वहीं जरा सी बारिश होने पर भी 2 से 2.5 फीट तक गंदा पानी जमा होने से पैदल आवाजाही तो मुश्किलों भरी रहती है। वहीं दोपहिया वाहन चालक तो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो बड़े वाहनों के लिए भी जोखिम भरा रास्ता बन जाता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग वार्ड नंबर 3 प्रताप गली बल कनाल अणुकला और मोही के लिए गुजरते हैं, लेकिन समस्या को लेकर नगर परिषद को दर्जनों बार भी बताने पर अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि पिछले 10 सालों से इस जगह पर गंदे पानी की समस्या बरकरार है, लेकिन नगर परिषद ने समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठाया है, जिस कारण आए दिन लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी तो बरसात शुरू हुई है, लेकिन बरसात के दिनों में तो छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी समस्या बन जाएगी। मुश्किल क्या आती है यहाँ पे? क्या यहाँ पानी खड़ा रहता है, बारिश हो जो मर्जी हो, तो क्या इसको आज तक भरा नहीं गया? ठीक नहीं किया? कितने सालों से दिक्कत है? कम से कम अप्रोक्स 10 ईयर तो होगी। 10 साल से? जी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? जी, प्रशासन से बहुत बार बोला पर प्रशासन सुनता है नहीं। ठीक करना चाहिए। जी बिल्कुल। विपिन सिंह ने बताया कि पानी की निकासी न होने से दिक्कत बनी हुई है और दोपहिया वाहन गुजारते समय भी गिरने का खतरा बना रहता है। वहीं अबनी ने बताया कि रोज इसी रास्ते से आवाजाही करती है, लेकिन बीच रास्ते पर गंदा पानी जमा रहने से भारी परेशानी होती है। तो नहीं, कभी कभी जाते हैं, पर प्रॉब्लम होती है सर पानी के कारण। इसका सलूशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार इधर रात को अंधेरे में पता नहीं चलता है। तो है क्या मतलब प्रॉब्लम मोस्टली क्या आती है यहाँ पे? पानी की प्रॉब्लम है सर, बीच में खड्डे भी हो रखे हैं पानी के कारण ही सर। पानी का निकासी का कोई है नहीं इधर साधन से। सर यहाँ से क्रॉस करना, चाहे ट्रेवल करना, बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। तो स्कूटी से भी मतलब सारे भीग जाते हैं, और हमेशा बारिश होता है नहीं, हमेशा ऐसे स्टैंड बाय होता है। आप कुछ मांग करते हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ सर, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, क्योंकि बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है। हम तो फिर भी नीचे से घूम फिर के आ जाते हैं, पर वो बहुत सफर करते हैं। एडवोकेट रोहित ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में गंदा पानी जमा होने की समस्या कई सालों से बनी है और सभी को भारी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जल्द इस समस्या को नगर परिषद को दूर किया जाना चाहिए। डेली यही से अपडाउन करते हैं, क्या मुश्किलें आती हैं आपके? हाँ बिल्कुल, मेरे कोर्ट के जाने का डेली का यही रास्ता है, यहीं से आता हूँ यहीं से जाता हूँ। ये जनरली यहाँ पे शायद ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से पानी का कोई प्रॉपर आउटलेट नहीं है, और जैसे जरा सी बरसात होती है, जरा सी बारिश होती है, एकदम से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से समटाइम्स कई बार पैदल गाड़ी के साथ चलना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, पैदल तो लोग जा ही नहीं सकते। तो इस करके बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, बुज़ुर्ग भी यहाँ से गुजरते हैं। काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और गाड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी यहाँ आमद रफ्त रहती है, उस वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसको तो चाहे बात नहीं हुई MCC या जिला प्रशासन से इसके बारे में? मेरे तो शायद इसलिए बात नहीं हुई, मेरा वार्ड नंबर 5 पड़ता है, ये वार्ड नंबर 3 है। ये मेरे नोटिस में नहीं है कि शायद ये किसी यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ की अथॉरिटी के नोटिस में लाया है कि नहीं लाया है, लेकिन अगर नहीं भी लाया है तो इसको जल्द से जल्द कमेटी के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, और इस पानी का कहीं ना कहीं आउटलेट निकाल करके इसकी डाइवर्शन होनी चाहिए, जिस वजह से, क्योंकि कोई भी एपिडेमिक हो सकता है, कोई बीमारी फैल सकती है, कोई भी किसी तरह का भी कोई नुकसान किसी को हो सकता है। और वैसे भी ये रास्ता रिसेंटली कोई मतलब 2-2.5 साल पहले रिपेयर हुआ है, टाइलिंग हुई है, तो वो भी शायद खराब हो जाएगा इस वजह से।
स्थानीय निवासी शर्मा ने बताया कि घर के साथ ही गंदे पानी जमा होने की समस्या काफी सालों से बनी हुई है और 2 फीट से ज्यादा पानी जमा होता है, लेकिन विभाग को बताने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि विभागों को अधिकारियों को शिकायत करके थक चुके हैं। देखो जी, हमने तो पिछले साल भी जो अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके साथ भी टिकअप किया था, MLA साहब के थ्रू भी किया था। फिर वही है कि बार बार मुख्यमंत्री की जो ई समाधान की जो साइट है उस पर भी मैंने कंप्लेंट्स लिखी। फिर एक दिन SDO साहब आए और मुझे पूछने लगे कि आप बताओ इसका क्या हल है। मैंने कहा जी टेक्निकल इंजीनियर आप हैं, आप बताओ कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बारिश का ही पानी है, किसी के घर का पानी नहीं है। बारिश जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है, क्योंकि पानी लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से आ रहा है और यहाँ आके क्योंकि ये थोड़ी सी ढलान मतलब गहरा है तो यहाँ आके पूरे का पूरा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और कोई भी समाधान उन्होंने उसके बाद नहीं निकाला। एक ही दिन आए थे, उसके बाद ना तो आज तक कोई आया ना तो कभी ये आया। हम लगातार DC साहब के पास भी जाके मिल के आए हैं, उन्होंने भी कहा मैं करता हूँ। अभी हमने एप्लीकेशन लिखी है, दोबारा एक्शन साहब के पास जाएंगे, दोबारा अपने MLA साहब के लिए भी लिखी है, अपने जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके लिए भी लिखी है। अब देखते हैं क्या होता है। मोस्टली क्या दिक्कतें पेश आती है ये देखिए कि आपके सामने ही है कि चलना फिरना सबके लिए मुश्किल है। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, कोई भी पास होने की जगह नहीं है। ये तो सब एक शुक्रगुजार है कि जो सामने से खुला पड़ा हुआ है अभी तक। सपोज कल को वो भी दीवार लग जाती है तो कहाँ से निकलेंगे लोग। परंतु इसके विषय में कोई भी नहीं चिंता कर रहा है। कमेटी के साथ भी टेकअप किया, वो कहते हैं कि PWD का रोड है, PWD का रहेगी जी हमारे, पता नहीं कैसे करेंगे। तो पता नहीं कितना कितना एरिया अफेक्टेड हो रहा है इससे। इससे लगभग देख लीजिए कि ये सड़क जो है बाया ब्राडबल से होते हुए अनुकुलाम और फिर पॉलिटेक्निक में या डिग्री कॉलेज में भी निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो कम से कम भी होंगे तो 2-3 हज़ार फैमिलीज जो हैं इससे प्रभावित हो रही हैं, बट कोई भी इस पर गौर नहीं हो रही है। हम तो सरकार से चाहेंगे कि इसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करें और हल निकालें इसका, क्योंकि पानी किसी का भी नहीं है, घर का नहीं है, बारिश का पानी है और इसका सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ज़मीन वाला या खाली प्लॉट भी पड़ा हुआ इसको नहीं लेगा, वो तो बोलेगा जी भाई सरकार पानी रास्ते से आया, रास्ते का पानी रास्ते से ही जाना चाहिए। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि इसका तुरंत समाधान हो, अन्यथा कभी भी कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है या कोई महामारी बीमारी भी फैल सकती है, क्योंकि इतना पानी खड़ा है तो मच्छर भी फैलेंगे। कल को जो प्रॉब्लम्स बड़े बड़े महानगरों में होती है वो कल को यहाँ भी शुरू हो जाएगी होना। तो इसका तुरंत समाधान सरकार से हम आग्रह करेंगे कि होना चाहिए। वाहन चालक ने बताया कि घरों का आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है और बीच रास्ते पर पानी जमा रहने से हर वक्त दिक्कतें पेश आती हैं। वहीं राजीव पुरी ने बताया कि रास्ते के निर्माण में भी खामियां हैं और बीच रास्ते में पानी खड़े होने का समाधान होना जरूरी है, क्योंकि टाइलों पर फिजूल में खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि DC हमीरपुर से मिलकर भी रास्ते की समस्या को सुलझाने के लिए गुहार लगाई गई है। जो ये सर पानी की सिचुएशन जो हालत है यहाँ के सर, मच्छर इतना परंपरा है, कंडीशन इतनी खराब हो रही है मोहल्ले की, मतलब हमें खुद को ही देखते कम से कम 1-2 महीने के आसपास हुआ है, ऐसा कोई समाधान है नहीं अभी तक। तो मेरी यही गुंजाइश है कि इसका तुरंत से तुरंत हल किया जाए। पब्लिक को बहुत परेशानी है, आपके सामने यहाँ पे 3-4 बार सांप निकल चुका है, जहाँ से वो निकल रहे हैं खेत से, अगर किसी बच्चे को काट ले सांप कौन जिम्मेवार है, फिर कोई बुजुर्ग को काट ले कौन जिम्मेवार है। तो इसलिए मैं यही गुंजाइश करता हूँ कि ये तुरंत से तुरंत इसका हल किया जाए। ये देखो ना, इसके बारे में शायद मेरे ख्याल से पहले से प्लानिंग नहीं की गई। जब ये चीज़ बनाई थी ना तो ये इतना टफ नहीं थी, वहाँ से स्लोप से आ रही है चीज़ और ये आगे जाके हाइट आ रही है, तो ये चीज़ टेक्निकली पहले अगर सॉल्व हो गई होती तो ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी। लेकिन अब ये चीज़ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पानी खड़ा हो रहा है और कहीं ना बीमारी का स्रोत है ये। यहाँ से हमने आज देखा कि बुज़ुर्ग भी जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, गाड़ी वाले जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं। मतलब ये इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, ये कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ टाइलिंग के ऊपर खर्चा किया गया है, PWD यहाँ खर्चा कर रही है, तो ये टाइलों का पूरा नुकसान हो जाएगा, फिर वो रिपेयर करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन हमें एडमिनिस्ट्रेशन से मिले क्या? हम लोग DC साहब से मिले, उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ। उन्होंने कहा कि भैया आप एक्शन साहब के पास जाइए, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दीजिए और जो मेरी तरफ से मदद हो सकती है वो हम करेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा PWD डिपार्टमेंट भी, हमारे म्यूनसिपल जो भी हमारे हैं डिपार्टमेंट वाले, वो सब मिल के इसके लिए करें, क्योंकि ये हमारा सबका है, ये किसी का इंडिविजुअल रास्ता नहीं। बुजुर्ग प्रेम कुमार गुप्ता ने बताया कि बीच रास्ते में गंदा पानी का तालाब बने रहने से समस्या पेश आती है और कुछ दिन पहले ही पत्नी के गिरने से बाजू टूट गई थी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द रास्ते की समस्या का हल होना चाहिए।
मेरी मिसी के बाँ फ्रैक्चर हो गया चलने चलने से, तो और क्या बुजुर्ग आदमी को बुरा हाल है। तो आखिर क्यों नहीं कमेटी क्यों नहीं करवा रही है काम? क्या कमेटी वाले हमारे बस से बाहर हमने करवाएंगे उन्हें। तो अब क्या कहाँ फरियाद कर हमने डीसी ऑफिस में गए, वहाँ जाकर उन्होंने 60,000 सेंक्शन किया। आगे आगे आपको बक्तो चलक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।